भाई मेरे बिच्छू घास लग गई है। पराठों की स्पीड देगी। तो भाई ये हमारा डिनर है, अच्छा सा प्यारा सा। तो भाई मजा आ गया यार। भाई लोकेशन चेक करो, ये भाई आज लेक व्यू कैंपिंग करेंगे। व्यू देखो भाई क्या जबरदस्त है। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये ऐसी जगह मिली है, तो आज करेंगे भाई लेक व्यू कैंपिंग। और भाई बने रहिए लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पर बहुत मज़ा करने वाले हैं भाई। अभी ये भाई ये फॉग हटता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सामने पहाड़ है भाई, और ये पूरी झील है यहाँ से वहाँ तक। थोड़ी थोड़ी दिख रही है भाई, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। दिखने लगा यार ये देखो भाई, वो देखिए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बस फॉग बहुत आ गया है भाई। अभी सब साफ था, बिल्कुल बारिश आ गई यार। ये बारिश ना आए, बस बारिश आ गई तो भाई काम खराब हो जाएगा। निकालो फिर टार्प लगा लिया जाए जल्दी से। भाई ये बारिश होने लगी एकदम से, जल्दी करो जल्दी करो। पकड़ो मैं पहले टार्प लगा दूँ जल्दी से। भाई जल्दी से टार्प लगा लिया जाए। भाई पहले हमने झील के इस साइड बनाया, तो भाई वहाँ पे गीली है ज़मीन, तो सही नहीं लग रहा था। अब भाई हमने इस साइड लगा रहे हैं, और ये अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भैया कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा लुक? अरे दिख गया भाई, व्यू देखो आप भाई। उस साइड मत रखो यार, झील में कुछ गिर गया फिर क्या करोगी? वहां से लाओगी तुम? देखो कैन कहाँ रखी है तुमने पानी। कैसा लग रहा तुम्हें झील के पास आज? भाई अभी हमारा सेटअप सब रेडी नहीं हुआ है, भाई डिसाइड कर रहे हैं क्या लगाएं क्या ना लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला अब बारिश रुक गई है भाई, हमें अपना टेंट समेटना पड़ा, क्योंकि टेंट के लिए जगह ही नहीं हो रही है यहाँ पर, छोटा वाला लाना पड़ेगा। अब हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से लेके आना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, तुम तो मस्त बैठी रहोगी। अच्छा है तुम्हारे लिए, पता है? हेल्थ के लिए अच्छा है ये। तो तुम्हारी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये देखो भाई मेरी हेल्थ अच्छी होनी है बस, तुम्हें तो करनी नहीं है हेल्थ अच्छी। मैं पूरा दिन भागती रहती हूँ। चलो भाई ये टार्प पड़ गया हमारा, थोड़ा छोटा, जगह ज़्यादा नहीं थी, पीछे दीवार आ गई तो भाई नहीं कर पाए। पर भाई बस ये देख के भाई दिल खुश हो गया। लोकेशन तो भाई है बढ़िया ना, तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, पहले लाइक कर दो भाई, फिर बाकी फिर देखते रहना। और सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो भी पूरा देखिए। और सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और अभी के अभी करिए। ये देखो भाई
भाई आज दौड़ दौड़ के आफत हो गई है। टाइम तो सोच रहे थे ना ऐसा कुछ लोकेशन मिले बढ़िया, बहुत शांत है। वो देखो मछली ऐसे ऊपर आ रही थी बहुत। तो भाई हम लोगों ने पहले टेंट अपना दूसरा वाला टेंट लगाया, वो टार्प उसमें नहीं आ पा रहा फिट क्योंकि स्पेस कम था यहाँ, क्योंकि झील के किनारे बस ये एक छोटी सी जगह है भाई जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ली है। और भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने दो बार चाय भी पी ली है। तो भाई बस इसके लिए एक ही वर्ड है भाई, इमेजिन करके देख लो। आज तो यार वैसे हम लोग कुछ पनीर वनीर वाला आइटम बना रहे थे, पहले मैगी खाते हैं। अच्छा हाँ, तो भाई आज हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा नाइट में रुकेंगे, ज़्यादा नाइट तो नहीं जितनी देर हो सकेगा रुकेंगे भाई। एक तो होता क्या है भाई, रात होती है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो फिर हम लोग कह रहे हैं चलो भागो। अब तो भाई मेरे बिच्छू घास लग गई है। तो भैया बता रहे हैं कि इसमें पानी का एकदम एहसास होगा, लगाओ तो यार। हाँ यहाँ पर है, आए ये तो रेड हो गया, जल लाल हो गया। बस इतना ही लगा था। लाल लाल क्या रहे थे वहाँ पे झाड़ियों में? वाह कर क्या रहे थे भैया, वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा कैमरा और पीछे ले जाऊं। अच्छा सरसों का तेल ठीक रहता है? मेरे संग तो यार पता नहीं क्या होता है, कभी जाता हूँ लेपर्ड मिल जाता है, कभी भैया शेर मिलता है, कभी बाघ आता है वहाँ, कभी भालू आता है। आज अभी तक मैं सबको कह रहा था भाई बिच्छू घास लगती है, आज मेरे ही लग गई, मैंने देखा ही नहीं भाई। ये दिखाता हूँ भाई कहाँ पर है ये। ये भाई दवाई के भी काम आती है, मगर ये ऐसे लग रही थी कि बिल्कुल जैसे डंक मार दिया हो किसी चीज़ में, कि ढेर सारी चींटियाँ एक साथ लग गई हों। तो भाई हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, बिच्छू घास के बाद मैगी बड़ी मस्त लग रही है। पहाड़ में बस एक ही चीज है भाई, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। उसे तकड़ी वाली बिच्छू घास ही होगी सबसे तकड़ी, ये जो चपटे वाली है इसे तो बड़ी काट लेगा। तो को दिखाते हैं भाई। भाई अभी मेरे बिच्छू घास लग गई और अब यहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि करंट सा, मगर अब हल्का हो गया है भाई, काफ़ी दर्द का एहसास हो गया था। ये भैया अभी बता रहे हैं कि ये जो लगी है ये हल्की है, और एक ये इससे भी खतरनाक है, इसके ऊपर देखो भाई ये डंक जैसे निकले हुए हैं यार। इस तरह का पौधा मिले भाई उत्तराखंड में तो आप ज़रा बहुत सावधान हो जाएं, कि भाई ये ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया हो शरीर में। अब हमारे रात के खाने की तैयारी हो चुकी है, और भाई अभी भी मेरे ये बिच्छू घास लग रही है बहुत। तुम्हारे साथ ऐसे ही होता है? हर कैंपिंग में कुछ ना कुछ होता है, या तो कभी जोंक चिपक जाती है, या कभी कभी फिसलता हूँ, कभी गिरता हूँ। और मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ भाई। तो अभी ना भाई बैठा रहना पड़ता है, काम तो सारे मुझे करने पड़ते हैं। तो भाई अब रात के खाने की तैयारी आ रही है, वाह कुछ खतरनाक ही चीज़ बन रही है भाई। अब यहाँ पर हम लोग अपनी तैयारी करके आए नहीं है, और अब यहाँ हमें लग रहा है ठंडा। मैंने कहा था जैकेट रख लो। देखो टेंशन मत लो, वो लकड़ियाँ पड़ी हैं ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी, वो सब इकट्ठी करते हैं और जला लेते हैं। और गीली हुई तो? नहीं नहीं ये पन्नी वन्नी डालो थोड़ा सा। वैसे भाई क्या पता, अभी देखो अगर ठंड बढ़ेगी तो भाई लकड़ी जलानी पड़ेगी। यार ये पीछे झील है, इसमें कहीं जलपरी तो नहीं होंगी कहीं? तुम बच के रहना उन जलपरी से। तुम्हें खतरा नहीं है? तुम तो बिल्कुल झील की तरफ पीट करके बैठी हो भाई, बड़ी डेयरिंग हो रही हो भैया।
तो भैया कुछ लोकल के लोग आए थे बताने कि यहाँ पर पानी भर जाता है। पीछे भाई झील है, इतना अंधेरा हो रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा? अब डराओ मत, तो खाना तुम्ही को बनाना पड़ेगा, ये सोच लेना। डर लग रहा है? मैं तो भाग जाऊंगी ऊपर। यहाँ से जाऊंगी सीधे कार में। ये गया भाई पनीर प्रेशर के अंदर, अब आज हम खाएंगे मस्त मस्त पनीर और पराठे। यार ये लग रहा है यार मेरे, जलन हो रही क्या? नहीं होगी, फिर पूरा लाल पड़ गया है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है वजन का। वैसे तुम्हें ना, तुम देखते नहीं हो, वीडियो बनाते समय तुम कुछ भी नहीं देखते हो, इधर उधर देख ही तो रहा था, वीडियो देख रहा था बनाते समय, भाई तुम्ही को देख रहा था मैं वीडियो बनाते हुए। पीछे देखा ही जैसे। भाई झील के किनारे फूला फूला पराठा और हमारी सब्जी। ये भाई हमारा सामान देखो कैसे बिखरा पड़ा है, बारिश की वजह से यार हम लोग का सब सामान बहुत भीग गया है। हम लोग एकदम से मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों को पता लगा नहीं था कि एकदम से बारिश आ जाएगी। भाई पराठों की स्पीड देखिए कैसे धड़ाधड़ बनते जा रहे। भाई चार पराठे बहुत है मेरे लिए, बस इतने ही मिलेंगे आज तुम्हें। आज कैंप लगा के यहाँ पे ये टेंट लगा के भाई फर्स्ट टाइम है कि हम लोग इतना रात तक रुके हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है यार। नाइट कैंपिंग का भी अपना ही मजा है भाई, अगर एक दो जने और हो ना तो हम लोग फिर नाइट स्टे भी करते हैं ना संगीता। अब भाई यहाँ पानी का पंगा बता दिया है तो यार अब यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, तो भाई खाना ना खाते हैं। झील का पानी खूब ऊपर आ जाता है। हाँ बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी आ जाता है ऊपर। तो भाई ये हमारा डिनर है अच्छा सा प्यारा सा। ये देखिए भाई सब फॉग आ गया है चारों तरफ। तो आज हमारा भाई कैंडल डिनर, कैंडल लाइट डिनर। भाई ऐसी वादी में और झील के किनारे ऐसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए भाई जिंदगी में, मजा आ गया भाई। एक और ले लो तो। तुम खाओ। मैं मैगी बहुत खा ली, खा लो। पराठे अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत समय बाद मजा आ गया भाई। मेरा तो हो गया, अभी तो खाना स्टार्ट किया था तुमने। बस इतना ही, मैं मैगी जो खा ली थी। भाई इनकी सेहत का यही राज है भाई। तो भाई हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत मज़ा आया भाई। बाकी अब कोहरा फिर हट चुका है यहाँ से, देखिए कैंडल लाइट डिनर के बाद कैंडल लाइट बर्तन धुलाई। और भाई यहाँ पे जो हमने सामान लाए हैं अपना, कचरा अपनी पॉलीथीन में रखेंगे, सब अपना पैक कर दिया है, बाहर जाके डस्टबिन में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल भाई, ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या है, वहाँ पे भी हम कैंपिंग कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत मतलब अजीब सी लग रही है कि वहाँ पर लोग आते हैं यार, बॉटल्स हैं और प्लास्टिक की वाटर बॉटल हैं, चिप्स के पैकेट हैं, वो सब भाई ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। तो प्लीज़ यार अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जहाँ पे भी जाते हैं एक पॉलीथीन लीजिए, उसमें अपना सारा कचरा, आप अपना कचरा खुद उठाइए। बस हम लोग कचरा फैलाने वाले लोग हैं ना, तो हमें अपना कचरा खुद संभालना है यार। आसपास के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर जगह पर यही हो रहा है कि भाई कैंपिंग करने आते हैं और सब गंदगी करके जाते हैं, तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी भाई दो तीन चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, तो हमने भाई उन्हें सबको इकट्ठा करके एक जगह पर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए भाई ये सब हमने इकट्ठे करे हैं यहाँ पर, यहाँ इतनी खूबसूरत जगह को भाई इन लोगों ने गंदा करके गए थे यहाँ पर। ये देखिए भाई, फिर हमने सारे क्या चिप्स के पैकेट यहाँ कोने में इकट्ठे करे हैं। अब ये गीले हैं, नहीं तो मैं इन्हें जला देता। एक गाना भाई चला है वो, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भाई वो कूड़ा वाला नहीं है, कूड़े वाले लोग हम हैं, वो सफाई वाला है। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए, कहीं भी रहें कहीं भी जाएं तो अपना जितना भी कूड़ा है सब अपना उठा के बाहर डस्टबिन में डाल दें। भाई गौर फरमाइए इनकी बातों पर और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर। अभी तुम ब्लर हो रही हो।
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर। तो भाई अब हमारा ये लास्ट काम। अरे अरे मेरे ऊपर ही टेंट गिरा हो गया क्या? अरे 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 अंधेरा हो जाता है तो फिर हाथ धीमे हो जाते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आती क्या रखना है। हर चीज आज भाई दो दो बार करनी पड़ी है। भाई झील के किनारे बहुत मजा आया, बस पैकिंग करने में भाई बहुत टाइम लग गया। अब ये सब सामान कैसे एक बार में जाएगा, चला जाएगा यार? ये मछली कूद रही है, मुझे लग रही चला जाएगा, चले मछली तो है वो जलपरी थोड़ी। अच्छा, ना वो छाता भी ले आओ और चेक कर लो एक बार सारी चीजें, कुछ रह तो नहीं गया नीचे। ट्राइपॉड भी इसके अंदर लगाना है। अब असली सामान भाई मैंने उठाना है और चढ़ना है ऊपर, कर दे चढ़ाई। ये बैग तो तुमने यार ठूस ठूस के भरा है। जब घर से लेके आओ ना तो अच्छे से पैकिंग होती है, जब यहाँ से लेके जाओ ना तो ऐसे ही होता है। अब ऐसे ही पैकिंग है। ये देखो भाई आज तो मैं बन गया पूरा वो क्या होता है वो लेबर सामान उठाने वाला। लाओ ये मेरे को दे दो, झुक नहीं सक रही इसलिए मेरे को दे दो कैमरा। और ये एक बार सारा वो ले लो और थैंक यू इस जगह के लिए भी। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कैंपिंग, बहुत अच्छी कैंपिंग की भाई, बहुत मजा आया यहाँ पर। और झील को भी थैंक यू, आप लोगों को भी थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो देखी। देख ले हमने कुछ यहाँ अंधेरे में छोड़ तो नहीं दिया अपना सामान, क्योंकि फिर भाई यहाँ आने में हमें फिर दूसरी कैंपिंग ही करनी पड़ेगी यहाँ आके, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है हमारे घर से। अब फॉग फिर बढ़ गया, अभी लाइट्स एकदम क्लीन दिखाई दे रही थी, अब सब फिर वैसी हो गया। भैया पीछे पीछे मत रहो, जल्दी जल्दी आओ तुम जरा। आ तो रही हो, आजा भैया आजा जल्दी, यही तो एडवेंचर है संगीता यार। अब भाई ये देखिए ऐसा लग रहा है वो टेंपल रन की सीढ़ियाँ लग रही हैं भाई, ये देखो तो जरा। आ जाओ संगीता आराम से, अब कच्चा रास्ता ख़त्म हो गया भाई, अब ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। लेक व्यू कैंपिंग अगर हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।